भजन श्रवण के लिए। तू कितनी अच्छी प्रेम समले
फागुन के महीने अमावस्या तिथि के दिन जहां जंगली सुअर जो है मिट्टी खोदे हुए है वहां के स्थान पे जाकर के उस स्थान की पूजन कीजिए और जो जंगली सुअर मिट्टी खोदे हुए पूजा करके उस मिट्टी को ले आइए बढ़िया कोई नया कपड़ा में बांध करके या कोई पवित्र कोई और कोई कुछ इसमें पकड़ करके उस मिट्टी को ले आइए और ला करके कब करना है फागुन महीना की अमावस्या तिथि के लिए ला करके घर में रखी दूसरे दिन फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा एकम के दिन सूर्योदय की पहली उठी और उठ करके उसी मिट्टी को जो लेकर के आए उनका लेप लगा करके पूरे शरीर में उसी मिट्टी के द्वारा नहाना चाहिए उस स्त्री को। नहा करके अपने घर में गोपाल जी है या नारायण की मूर्ति है राम जी की मूर्ति है इनकी मूर्ति को रखिए एक बढ़िया पीढ़ा में और पीला रंग के कपड़ा बिछा करके भगवान में भोग क्या लगाना है और क्या चीज आपको खाना है भगवान में दूध से बने हुए व्यंजन चढ़ाना है। फल फूल खा के नहीं रहना इस व्रत को। इस व्रत में नियम ये पयो व्रत मतलब दूध पी करके दूध से बने हुए कोई भी व्यंजन दही घी या खीर जिसमें दूध हो उसी व्यंजन को भगवान में भोग लगा करके उनको आपको ग्रहण करना है। दिन में एक बार आपको दूध से बने हुए आहार लेकर के उस व्रत को करना है। भगवान नारायण का पूजन करके भगवान नारायण का नाम का जाप करना है। हाँ 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए और ये व्रत को कितने दिन करना है लगातार 12 दिन करना है। इसी क्रम को 12 दिन बना के रखना है। पहले दिन इसी नियम को करो फिर दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठ करके मिट्टी के लेप लगा करके नहाओ फिर खीर के भोग लगा करके खीर को खा करके भगवान का मंत्र का जाप करके दिन को व्यतीत करो। सायंकाल के वेला में भगवान का सुंदर फिर आरती इत्यादि करो। ऐसे करते हुए 12 दिन व्यतीत करना है और इस 12 दिन के बीच में अगर कोई स्त्री अपवित्र हो जाए कभी कभी 12 दिन में अगर कोई स्त्री मासिक चक्र के प्रभाव में आकर के अपवित्र हो जाए 5 दिन के बाद वो अपवित्र हो जाए तो रहना तो 12 दिन है व्रत तो कैसे करेंगे महाराज वो स्त्री उस व्रत को आप रोकिए उस व्रत को कौन करेंगे पूरा आपके पति जो पूरा करेंगे आपको पति को उस व्रत को रहना है। जिस दिन आप अशुद्ध हो गए उसी दिन से आपके पति देव स्त्री पर करेंगे लेकिन 12 दिन करने के पूरा होने के पश्चात फिर आपको एक उद्यापन करना है। 12 की कितना महत्व देखो 12 दिन के व्रत है 12 अक्षर का मंत्र है ठीक दोपहर के 12 बजे इस मंत्र का जाप करना है। अब भगवान वामन भी जब जन्म लिया ना तो द्वादशी तिथि के दिन जन्म लिया भादो के महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन जन्म लिया इसलिए आज भी द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण लोग मांगने के लिए जाते हैं तो कई लोग उनको मना नहीं करते हैं द्वास में दान करते हैं। द्वादशी तिथि दिन गया था भगवान वामन मांगने के पक्ष के द्वादशी तिथि दिन भगवान नारायण ही वामन के रूप में अवतार लिया प्रकट हुआ। भगवान नारायण जन्म लेते ही 5 साल के बालक के जैसा उनका शरीर हो गया। देवताओं ने गुरु की वर्षा की जय जयकार किया प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय वामन भगवान की जय। नन्हा सा बालक निर्वस्त्र सामने में खड़ा है निर्वस्त्र तो 12 लोगों ने स्वागत किया भगवान का माता ने उनको वस्त्र पहनाया तो वस्त्र पहनाते समय करधनी नहीं थे तो पिताजी ने करधनी पहनाया। बृहस्पति देवता ने आकर के कहा कि चलो हम आपको जनेऊ पहनाते हैं ब्राह्मण बालक को जनेऊ पहनाया जाता है तो जनेऊ पहनाया। हाँ मंत्र पढ़ दियो ओम यज्ञो पवितम परमम पवित्रम प्रजापतिर सहजम प्रस्तातयाजुषमग्रम प्रतिमुनित शुभ्रम यज्ञो पवितम बलमस्तु देयम्।
यज्ञ को भी बनाए। पृथ्वी देवी ने आकर के मृग चर्म दिया, चंद्रमा ने आकर के दंड दिया, सब देवताओं ने आकर के अलग अलग वस्तु भगवान को भेंट कर रहा है। मैया ने वस्त्र, पिताजी ने करधनी मेघला, बृहस्पति जी महाराज ने यज्ञोपवीत और पृथ्वी देवी ने मृगचर्म आसन और आकाश देवता ने छाता ला के दिया, छत्र दिया, क्योंकि पूरे आकाश से छाए रहते तो छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दिया, सप्तऋषि ने आकर के कुश दिया भगवान, और उसके पश्चात सरस्वती देवी ने उनको रुद्राक्ष की माला पहना दी। फिर उसके पश्चात सविता देवता ने आकर के गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, ओम भूर्भुवस्वः दशवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे कान पक्षी सविता देवता गायत्री मंत्र का दीक्षा दिया। फिर उसके पश्चात में दीक्षा देने के बाद में चंद्रमा जी ने आकर के दंड दिया, कुबेर जी महाराज ने एक पात्र दिया, भिक्षा पात्र, क्योंकि ब्राह्मण मांगने जा रहे तो एक पात्र होना चाहिए महाराज, भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र रखे, तो कुबेर जी महाराज ने भिक्षा पात्र दिया। 11 लोगों ने स्वागत किया, तो 12वें नंबर में कौन पहुंच गई, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी ने एक सोने के सिक्का उसी भिक्षा पात्र में डाल दिया, क्यों, अन्नपूर्णा देवी ने अगर कोई कार्य को प्रारंभ करें तो सफलता तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि जिकर हाथ से मोहनी बट्टा हो वो तखर हाथ से है, मांगे काम चालू करी तो शुरुआत कौन करी, अन्नपूर्णा देवी। आज भी देखो कोई शुरुआत करते हो तो मोहनी बोट्टा के समय ने ध्यान रखते आदमी, मनी आदमी मोहनी बोट्टा होना चाहिए, तो अन्नपूर्णा देवी ने प्रारंभ किया। भगवान मामा ने कहा चलो अन्नपूर्णा देवी ने शुरुआत की है, अब कार्य सफल होंगे। अब जाने लगा सब देवता लोग पीछे पीछे चलने लगे। भगवान मामा ने कहा क्या कर रहे हो आप लोग, महाराज बलि जो है अतिथियों से भेंट करने के लिए जैसे ही प्रवेश द्वार में आया, यज्ञ मंडप के प्रवेश द्वार में आया, उसी समय ये नन्हा सा बालक वामन पहुंचा, और वामन जो है यज्ञ मंडप के प्रवेश द्वार में जा करके महाराज बलि को देख करके क्या मोह में है। आइए एक बढ़िया भजन के माध्यम से सुनते हैं, और बुला लीजिए भगवान वामन को, लाइए भगवान वामन को लेकर के आओ, प्रेम से बोले वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान अपने ही पैर से, अपने पैर से ना बोलूंगा। और तुम वामन जी की बात को सुन करके कहा अवश्य देवरी ऐसे मुख से नहीं संकल्प कीजिए, जय इस नन्ना से पहचान कर ले, कुछ मांग रहा है बड़ा संतोष है। स्त्री वृत्त अर्थ मतलब जीविका चलाने के लिए आता है, कितने में 10 रुपए में, और ग्राहक आता है कभी गुरु है भगवान सब नारायण है, आप ही बताते हो तो सब नारायण है, मैं झूठ नहीं बोलूँ। शुक्राचार्य महाराज क्रोधित होकर के राजा तो श्रेहीन हो गया, तो भगवान की तोल ने दो घाव थोड़े अवतार लो, एक घाव दूध पिया दे, एक घाव जहर पिया दे, दोनों काम कर ले, हम आपको कल बताएंगे।
उतना नाम के राक्षस से भगवान कृष्ण कन्हैया बाल किशोर न मारने के लिए गोकुल नगरी पहुंच चुके हैं। कल पूरी बाल लीला की कथा हो, अभी भगवान के कुछ देर के बाद जन्मोत्सव मनाएंगे। महाराज बलि ने संकल्प लिया, मैं विरोचन पुत्र महाराज बलि इस ब्राह्मण बालक को 3 पग भूमि इनके ही पैर से दान करना कर रहा हूँ, ऐसा कह के संकल्प किया। नंदन जब शरीर का आकार बढ़ाया और अपने पैर को ऊपर किया तो हो भुआ स्वर्गलोक महरलोक जललोक तब लोग ब्रह्मा जी लोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल करके भगवान के पैर को पखार करके कमंडल में रख लिया, वही गंगा जल कह लेते। हाँ, भगीरथी इसी गंगा जल के लिए तपस्या किया था। उसके पश्चात अब उधर ऊपर के लोग हो गए, अब नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल लोग मिले गए। 2 ही पग में पूरे 14 पैर कहाँ रखें। तो महाराज बलि ने कहा, अभी आप मेरे संपत्ति लिए हो ब्राह्मण देवता, लेकिन मैं तो स्वयं बचा हूँ ना, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे महाराज बलि, भगवान रावण ने महाराज बलि को दान दिया और अद्भुत वामन की पूजन कीजिए। अब वामन का पूजन करके जो यथाशक्ति आप दान करना चाहते हैं आप दान करिए। चलिए आइए अब आगे बढ़ेंगे। पवन भगवान और महाराज बलि में यमुना यमराज जी और अश्विनी कुमार और छोटी रानी से छाया से शनि देव सावरणी और तपसी नाम की कन्या, ये भगवान सूर्यनारायण के परिवार है। भगवान सूर्यनारायण का बड़ा बेटा है श्राद्ध देव का विवाह श्रद्धा देवी के साथ कई साल हो गया, संतान जन्म नहीं लिया। वशिष्ठ महाराज के पास गुरुजी के पास जाकर के कहा, गुरुजी कोई उपाय बताइए संतान प्राप्ति के, चलो यज्ञ करो। श्रद्धा देवी कहा, बोल पर इस पुत्री प्राप्ति हो जाएगी, पुत्री मान कर डर के मारे नहीं बोलते इसे अपने पति देव लो गुरुदेव लो। श्रद्धा देवी 9 महीने के बाद संतान जन्म ली तो पुत्री जन्म ली। श्राद्ध देव कहते गुरुदेव सिंहासन में बैठे के लिए पुत्र चाहिए रहे, लेकिन आप तो पुत्री वाले यज्ञ करवा देंगे। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि मैं यज्ञ करवाया हूँ तो भाई पुत्र के लिए यज्ञ करवाया हूँ, कैसी पुत्री होगी। तो श्रद्धा देवी पूछी, इसका श्रद्धा देवी ते काम मांगे, मोर से गलती होगी गुरु जी, मैं ही बोल पड़े पुत्री की प्राप्ति होगी। ओ यही पे गलती हो है, जल गर्भ धारण करने तेने कहा था कि पुत्री की प्राप्ति हो, तो नाम रखे किसा का नाम बोलिए कीला। कन्या का नाम रखे कीला, कीला ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण, यही से भगवान के चरवंशी राजाओं के जन्म होंगे। इला नाम की कन्या, अब धीरे धीरे इला नाम के कन्या बड़े हो
तो राजा जय हो देखे देखा सुनता है कहा बेटा हो तुम बेटी हो गए हैं यहाँ सिंहासन में कौन बैठी चिंता हो गए। एक दिन गुरु जी कहते गुरु जी एक काम कर दे कन्या लग ना ये बेटी बेटा बना देते हो अपन मंत्र के बल से वशिष्ठ महाराज कहते अच्छा तो बहुत इच्छा है भाई सिंहासन में जंगल में भटक तो चलो कूद दे जंगल में भटकन दो ना अब एक बार फिर कहा श्राद्ध दे श्राद्ध दे गुरु जी के पास गुरु जी बेटी बेटा बनाए हो बेटा देख 16 साल के हो गए तुम कहाँ गए पता नहीं चला थे महाराज बार बार यज्ञ नहीं करवा सकते भाई तपस्या करो तपस्या करके पुत्र मांगो तपस्या क्या श्राद्ध देने तपस्या करके भगवान से पुत्र मांगा मुझे 10 बेटा चाहिए बहुत ध्यान से सुनना 10 बेटा मांगा तो सबसे बड़ा बेटा का नाम रखा इक्ष्वाकु दूसरे नंबर का बेटा का नाम रखा नृप तीसरे नंबर का बेटा का नाम रखा सरयाति चौथे नंबर का बेटा का नाम रखा धृष्ट पांचवें नंबर का बेटा का नाम रखा दृष्ट छठवें नंबर का बेटा का नाम रखा करुष सातवें नंबर का बेटा का नाम रखा नभग और आठवें नंबर का बेटा का नाम रखा पृषक और 9वें नंबर का नरियंत और 10वें नंबर का कार्व ऐसे 10 पुत्र जन्म लिए। एकादशी व्रत करने वाले लोग को बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होते हैं। एकादशी व्रत में 11 इंद्रियों को वश में करके जो इस व्रत को करते हैं कोई भी व्यक्ति हो स्त्री हो पुरुष हो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होते हैं। अमृत जी महाराज को उत्तम गति मिला स्वर्ग आज भी स्वर्ग में बैठता है एकादशी के पुण्य के फल से इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए स्वर्ग की प्राप्ति होते हैं सहज में। 10 बेटा में सबसे बड़ा बेटा इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु का बेटा विकुक्षी विकुक्षी का बेटा पुरंजय पुरंजय का बेटा अनंत अनंत का बेटा पृथु पृथु का बेटा विश्ववंती विश्ववंती का बेटा चंद्र चंद्र का बेटा युनास युनास का बेटा विशावसत सावसत का बेटा बृहस्थ बृहस्थ का बेटा कुलास कुलास का धृणाश धृणाश का हरिवश हरिवश का बेटा निकुंभ और निकुंभ का बेटा वृणास वृणास का कृषास कृषास का सेनजीत और सेनजीत का बेटा युनास नाम का यहाँ पर रुका शुक्राचार्य ऐसे सुखदेव जी महाराज के सुखदेव जी महाराज यहाँ पर रुका और योनास नाम के राजा की कथा सुनाए तो बाकी राजा कथा क्यों नहीं सुनाए कुछ राजा कुछ किए रहते तो कथा होता जी और सब राजा की कथा बताएंगे तो भगवान के जन्म ही नहीं होगा अभी तो सुखदेव जी महाराज ने बताया तो संतान कैसे जन्म नहीं महाराज अरे ऑपरेशन करना पड़ी ऑपरेशन अभी थोड़ी होते कब के होते ऑपरेशन शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करेंगे पेट को फाड़ करके बाहर निकालेंगे ऐसे महाराज तो हम ऑपरेशन लोग करे हो पहली घाव करे कौन सी पहली घाव पर मतलब डर लगना चाहिए ऐसे जन महतारी अस्पताल में चल रहे हैं गर्भवती वो डॉक्टर जी खाते आए थे घर डॉक्टर का डॉक्टर साहब को बुला ले क्या हुआ तो पहली मुझे ऑपरेशन डॉक्टर साहब मतलब बड़ा डर लगा थे अरे डरने की बात नहीं है चिंता मत करो फिर डॉक्टर घूम के डॉक्टर साहब डॉक्टर फिर बुला डॉक्टर साहब मोर पहली ऑपरेशन मतलब बड़ा डर लगा थे अरे चिंता मत करो ना ऐसे फिर तीन चार पांच घाव डॉक्टर देखिए डॉक्टर साहब मोर पहली ऑपरेशन मतलब बड़ा डर लगा थे डॉक्टर कहते तो पहली ऑपरेशन है ना तो मोरू पहली ऑपरेशन का बड़ा डर रहा था कि पहली ऑपरेशन मोर पहली ऑपरेशन डर एक बात नहीं है किसी तो पहली घाव ऑपरेशन करी डरना पड़ी भाई कोई अनुभव नहीं है तो वशिष्ठ महाराज ने कहा पहले बार ऑपरेशन करेंगे तो युवनास नाम के राजा बड़ा डरे अरे सफल हो गए तो हो गए नहीं हो तब प्राण संकट में आ जाए लेकिन वशिष्ठ महाराज ने ऐसा ऑपरेशन किया तो पेट को फाड़ करके बालक तक जन्म लिया युवनास नाम के राजा युवनास नाम के राजा का बेटा का नाम बड़ा मानधाता और मानधाता का फिर पुत्र हुआ पूर्व पुष्ट अमरीश मागी मुचुकुंद और 50 पुत्र जन्म लिया 4 बेटा मुचुकुंद नाम का बेटा इसकी कथा बाद में बताएंगे आपको ये कौन है इसको याद रखना मुचुकुंद को ये काल्यवन नाम के दर्द को मारने के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया इसी मुचुकुंद के पास जाएगा ये मानधाता का बेटा है। तो सबसे बड़ा बेटा था पुरुकुश पुरुकुश का बेटा त्रिदेश त्रिदेश का बेटा अरण्य अरण्य का बेटा हरवश हरवश का बेटा अरुण और अरुण का बेटा हुए अरुण का बेटा हुए त्रिबंधन और त्रिबंधन का बेटा हुए सत्यव्रत किसी को कहते त्रिशंकु राजा और इसका बेटा हुए हरिश्चंद्र जिनकी कथा भागवत में विस्तार पूर्वक नहीं अन्य पुराणों में है तारामती नाम की इनकी पत्नी न अपने पुत्र और पत्नी को बेच करके डोम के यहाँ नौकरी किया ये बड़े विस्तार से पूर्वक हरिश्चंद्र तारामती की कथा अन्य पुराणों में है।
लेकिन भागवत में विस्तार पूर्वक नहीं है, क्योंकि विस्तार करेंगे तो कथा भगवान के जन्म नहीं हो पाएंगे। जैसे सुखदेव जी महाराज ने भी विस्तार नहीं किया, मैं भी विस्तार नहीं कर रहा हूँ। हरिश्चंद्र का बेटा रोहित, रोहित का बेटा हरि, मृत्यु नहीं हुई और जहर के असर वो रानी पर भी नहीं हुई, न रानी की मृत्यु हुई न बालक की मृत्यु हुई, वह पतिव्रता बल के प्रभाव से। और उस जहर को लेकर के बालक जन्म लिया, तो जहर को कहते हम लोग गर वेश, ऐसे पर्यावरणी शब्द होते हैं। तो घर को लेकर के बालक जन्म लिया, इसलिए उस बालक का नाम पड़ गया सागर। हाँ, घर को लेकर जन्म लिया, इसलिए महान राजा हुए सागर। और इस राजा के दो पत्नी हुए सुमति और केशनी, और केशनी नाम की रानी के एक बेटा जन्म लिया असमंजस, और असमंजस का बेटा हुए अंशुमान। और एक रानी सुमति से बहुत से पुत्र जन्म लिया, 60,000 पुत्र ऐसे वर्णन किया गया। एक बार 60,000 पुत्र जो है, राजा सागर यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ घोड़ा छोड़ा, इस घोड़ा को चोरी करके देवराज इंद्र जो है कपिल नारायण के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया, कपिल नारायण के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। अब 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते गया कपिल नारायण के आश्रम में, तो कपिल नारायण ही चोरी करके लाए गए। कपिल नारायण पर नाराज होकर के पत्थर फेंक के मार दिया। कपिल नारायण आँख खोल करके देखा, राजा सागर के 60,000 पुत्र चल के राख हो गए, सभी एक पत्नी के सब पुत्र मारे गए। और दूसरी पत्नी के एक है बेटा, इस असमंजस प्रखर बेटा रहा अंशुमान। अपन नातिल बुला के कथे राजा सागर, जा बेटा ते अपन चाचा मतलब खोज के लावे, लेकिन तो पता लगा लगे तो कपिल नारायण आश्रम में सब जहां आता हड्डी बिखरे रहा। जो जी ने राम जी की कथा को बहुत संक्षिप्त में वर्णन करते हुए कहा, ये चारों कुमार कुछ ही दिनों के पश्चात बाल लीला करते हुए युवावस्था में पहुंचा विश्वामित्र जी महाराज आया। लेकिन राम को पता चल गया कि मेरे पिताजी ऐसे फंसे हुए हैं कि मुझे कभी कहेगा नहीं कि जंगल जाओ, तो पुत्र ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए साधु सन्यासी की भांति कपड़ा पहन करके अपने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण जी लेकर के जंगल में चला गया। जैसे राम जी के चरित्र को बता करके सुखदेव जी महाराज जो है सूर्यवंशी राजाओं की कथा को विराम किया। अब आइए चंद्रवंशी राजाओं की तरफ, फिर ऊपर चलो। कहाँ वो ईला नाम की कन्या जो सुरगम नाम का था, जंगल में जाते ही ईला नाम की कन्या बन गई। वो जंगल में भटकते भटकते जब बाहर निकले ना, तो चंद्रमा का बेटा बुद्ध, और बुद्ध ने देखा कि इस कन्या को ईला को कितनी सुंदर कन्या है, तो बुद्ध ने जाकर के कहा, ईला तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। ईला देवी ने बुद्ध देवता के साथ विवाह कर लिया, और बुद्ध और ईला से जो संतान जन्म लिया, उस संतान का नाम था पुरुरवा। और पुरुरवा का संतान जन्म लिया, 6 संतान जन्म लिया, आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय और जय, ऐसे 6 बेटा जन्म लिया। अब विजय का 5वां नंबर का बेटा विजय, विजय का बेटा भीम, भीम का बेटा कांचन, कांचन का होता बेटा होत्र का बेटा जहनु, जहनु का बेटा पुरु, पुरु का बेटा बला, बला का बेटा अजक, अजक का बेटा कुश, कुश का बेटा कुशाम्भु, कुशाम्भु का बेटा गाधी, और गाधी की बेटी हुई सत्यवती। एकर विवाह ऋचिक महात्मा के साथ एकर पुत्र जन्म लिया कौन, जमदग्नी, और जमदग्नी का बेटा जन्म लिया परशुराम महाराज। प्रेम से बोले परशुराम भगवान की जय। भगवान के 24 अवतार में परशुराम ने 6 भाइयों में सबसे बड़ा भाई था आयु, उनका बेटा हुए नहुष, और नहुष का बेटा हुए 6 बेटा यति, ययाति, अयति, सयति, वियति और कृत, ऐसे 6 बेटा जन्म लिया। तो 6 बेटा में से दूसरे नंबर का बेटा ययाति, ये ययाति नाम के राजा के 2 पत्नी हुई, बड़ी वाली का नाम शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, और एक राक्षस की बेटी के गुरु बेटी देवयानी, कपड़ा फाट करके बोला निर्वस सुख कुम गिरा अभर। ये राजा जाति शिकार खिलल गया सुखा कुआ में, ये 16 साल के सुंदर कन्या ने जब निर्वस्त्र रूप में देखी, सर ये सुखा कुआ में गिरे रोबत है, तपन दुपट्टा दे करके उनकी देवी ने पहन कपड़ा लगे, बोला बाहर निकल। तो देवयानी पूछते थे तो का नाम है, कि तो देवयानी की बोल देवयानी नाम है, मैं शुक्राचार्य की बेटी है, तो कैसे सुखा कुआ में गिरी, राजा की बेटी बोले धक्का मार के गिरे, ऐसे ऐसे घटना घट गया भाई, चल भाई तो घर में छोड़ दो, छोड़े बड़े इसे। राजा विश्वकर्मा की बेटी सर्वेक्षा चुपचाप किसी बताई नहीं जाकर घर में, मैं सुखा को अंगिराग आगे हो रहा गुरु बेटी। जैसे ही शुक्राचार्य को पता चले, एकदम क्रोधित हो गया, राजा को बुला के कहा, तुम्हारे बेटी ने अपराध किया है, मेरे बेटी को सुखा को अंगिराग करके चली आई है, बुलाओ उसको दंड देना है। सर्वेक्षा डर गया, मोर बेटी जिन दंड देगा मानना पड़ेगी,
तो देवयानी के थे पर पिताजी लगे पिताजी उपलब्ध होते हुए दो बेटा जन्म ले यदु और तुर्वसु नाम का बेटा जन्म ले। एक बार देवयानी हाँ अपन मई के आ रहा है और वही हर शर्मिष्ठा है वह काम करत कृष्ण पुरानी बन गई तो राजा याति देखे इसके वो राजकुमारी हरे लेकिन जबरदस्ती का नौकरानी बना के रखे देवयानी है। राजा याति कहते शर्मिष्ठा चल तो रोज भी हाव कर लेगी शर्मिष्ठा के नहीं नहीं महाराज एक बार गलती हो गई अतिक बड़ सजा भोगत हो नौकरानी बन के हवो है और दोबारा गलती करके पता चल के देवयानी का बोला छोड़ ही नहीं अरे पता नहीं चले ना चलना भाई की बिहार कर इस राजा चुप जाता शर्मिष्ठा सर अब बिहार करे उस दिन के हाँ कुछ महीना बीते के बाद में तीन जन संतान जन्म ले वो शर्मिष्ठा के अनु द्रोह और पूर्व नाम के संतान जन्म लिया। देवानी पता चले से अगर बिहार नहीं हो है कहाँ संतान जन्म हो गए बेटा को क्यों क्योंकि वो आज्ञाकारी पुत्र था अपने संपत्ति को छह भाग में बांटा एक एक भाग अपने बेटा को दिया अपना संपत्ति सबसे छोटा बेटा को दान किया। तो इस प्रकार से यदु और यदु के वंश में ही सुरसेन नाम का राजा हुआ और सुरसेन के ही वंश में बसदेव जी का जन्म हुआ और इसी बसदेव जी का विवाह इधर हुआ। अब इधर दे अनु द्रुह और पुरु अनु का वंश में आहू नाम का राजा जन्म लिया और आहू का दो बेटा जन्म लिया बड़ा बेटा का नाम था उग्रसेन और छोटा बेटा का नाम था देवक। देवक के सात जन बेटे ली से जिनमें सबसे छोटी बेटी का नाम देवकी और उग्रसेन के नौ बेटा उनमें से सबसे बड़ा बेटा का नाम था कंस। इन सातों बहनों के विवाह जो है बसदेव जी के साथ होते छह जन के विवाह हो रहा है ऐसे तेरह पत्नी के वर्णन है बसदेव जी का। एक पत्नी रोहिणी भी है लेकिन सबसे छोटी पत्नी कौन है देवकी। अब देवकी के साथ जब विवाह संपन्न हुआ तो महाराज कंस ने सोचा उस समय उनके पिताजी उग्रसेन राजा थे ये राजकुमार ली से तो चलो अपन बेटी ना बढ़िया सुंदर विवाह करे उग्रसेन और देवक बड़ा खुश रही से तो बेटी पिलाई करे पर राजकुमार कंस ने कहते बेटा जा रहे अपन बहन छोड़ के आगे की कंस कहते किसी नौकर चाकर लगा भेजना स्वयं जाना चाहिए ऐसा सोच करके रथ में आके के लिए बैठ गए। और देवकी और बसदेव जी ला विवाह होने के बाद में देवकी ने फिर ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा बीच रास्ता पहुंचे आकाशवाणी में अरे कंस जिस लाडली बहन को तुम उनके ससुराल छोड़ने के जा रहे हो उसी की आठवां संतान तुम्हारा काल होगा। कंस ने जैसे सुना कि जिस लाडली बहन को इनके ससुराल छोड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ उसी का आठवां संतान मेरा काल है तुरंत तलवार निकाल लिया मैं नहीं छोड़ूंगा इसी क्षण मार डालूंगा। बसदेव जी जान गए कि बहुत बलवान है हाथ में तलवार है लड़ना ठीक नहीं है तो बुद्धि का उपयोग करिए हाथ जोड़ गए थे राजकुमार मुझे पता है कि तुम बहुत बलवान हो लेकिन ये तुम्हारी बहन है स्त्री को मारने से तुम्हारे अपकीर्ति हो गए लोग तो निंदा कर ही की बहनी का हत्यारा कहला देते हैं। एक कंस का विश्वास नहीं कि कहीं वन कहीं अन्यत्र जगह मत चले जाए देवकी और बसदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। ये बात जब पता चला उग्रसेन को उग्रसेन ने कंस को बुला करके कहा बेटा तुम गलत कर रहे हो अपनी ही बहन को अपने ही दामाद को कारागार में बंद किए हो। कंस ने कहा कि आकाशवाणी हुई फिर भी बंदी नहीं बनाना चाहिए जब तुम्हें वचन दिया है बसदेव जी ने कि जितने भी संतान जन्म लेगा ला के दूंगा तुमको विश्वास करना चाहिए नहीं मुझे विश्वास। बसदेव जी ने जाकर के दिया उस संतान को पटक करके जमीन मार डाला एक संतान की हत्या किया दो संतान की हत्या किया तीन संतान की हत्या किया चौथा संतान की हत्या किया पांचवा संतान की हत्या किया छठवा संतान की हत्या किया सातवा संतान जब जनरल मिश्र रही तब भगवान नारायण ने शेष नाग से कहा कि हे शेष नाग जाओ देवकी मैया के गर्भ में जाकर के निवास करना और सातवा संतान के रूप में आपको वही रहना है गर्भ में।
सातवां संतान के रूप में आकर गर्भ में निवास किया, लेकिन जैसे ही गर्भ के पूरा होने के समय आया, भगवान नारायण ने जान लिया ये साधारण कोई बालक नहीं है, ये तो शेष नाग है और ये भी बालक जन्म लेगा। और वसुदेव जी इस बालक को पकड़ करके कहां ले जाएगा, कंस के पास ले जाएगा और कंस इसको भी मारने का प्रयास करेगा, लेकिन ये शेष नाग के अवतार है। तो भगवान ने क्या किया, उस बालक को अर्थात जो गर्भ में थे सातवें नंबर का संतान शेषनाग देवकी मैया के गर्भ में, उस संतान को खींच करके योग माया से वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी जो नंद बाबा के यहाँ रहती थी, राम जी जन्म लेंगे। अब आठवां संतान को जन्म लेने के समय आया देवकी मैया के गर्भ में, जब भगवान नारायण ही आकर के वास किया। अब देखो भगवान नारायण देवकी मैया के गर्भ में आकर के वास किया, चारों तरफ हरियाली छा गई, भगवान का जन्म लेने के समय आया हुआ। जैसे आठ महीने समाप्त हुआ, नौवां महीना प्रारंभ हुआ, प्रकृति के पांचों तत्वों ने सोचा भगवान कृष्ण कन्हैया के स्वागत करना है, पांचों तत्वों ने सोचा स्वागत करेंगे, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पांचों तत्वों ने स्वागत करने का विचार किया। ठीक नौ महीने पूर्ण हुआ और देवकी मैया के गर्भ से भगवान का जन्म लेने का समय आया, तो सबसे पहले भगवान नारायण उस कारागार में चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के वसुदेव जी जाना, तो क्या करना है प्रभु, क्या आज्ञा है मुझे एक सुपा में, तो सुपा तो है नहीं महाराज, मेरे योग माया से सब उपलब्ध हो जाएंगे, मैं सब उपलब्ध कर दूंगा, आपके हाथ का हथकड़ी, पांव का बेड़ी और ये कारागार में जो किवाड़ लगे हुए हैं, पहरेदार जो है जाग रहे हैं सब सो जाएंगे, सब योग माया से मैं सबको में ऐसा सुंदर वातावरण बनाऊंगा कि आपका सब काम बनेगा अपने आप। वसुदेव जी को समझा दिया कि मुझे ले जाकर के कहाँ जाना, गोकुल नगरी, और वहाँ एक बालिका जन्म ले रही है यशोदा रानी की, उस बालिका की जगह में मुझे सुला देना और बालिका को लेके आना। वसुदेव जी को समझा, भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, देवकी मैया वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए कि भगवान नारायण ही हमारे पुत्र बनकर के आ रहे हैं। अब कष्ट कुछ देने के बाद सब समाप्त हो जाएंगे, इस दुष्ट का विनाश होगा, मन प्रसन्नता होगा। जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर के अंदर ध्यान हुआ, भादो वहां तो योग माया के शक्ति से जितने सब कारागार में पहरेदार थे सो गया है, पूरा मथुरावासी सो गया हुआ है, कोई जाग नहीं रहा है, तो भगवान के स्वागत कौन करेंगे भाई, भगवान जन्म लिया है तो स्वागत कौन करेंगे, तो स्वागत करने के लिए आकाश देवता जो है ढोल नगाड़ा बजाना चालू करते, गड़गड़ 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 आकाश, हाँ हम स्वागत करेंगे, ढोल नगाड़ा बजाएंगे, आकाश देवता ढोल नगाड़ा बजाना चालू कर दिया। अब भगवान स्वागत कौन करेंगे भाई, फूल की वर्षा कौन करेंगे, तो वरुण देवता ने कहा हम बरसते हैं, तो फूल की जगह हम पानी बरसना चालू कर, झर 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 पानी गिरना चालू हो गया। अब बाजा बज रहा है तो नाचेगा कौन भाई, तो अग्नि देवता से अग्निकुंड में प्रकट हो गया और अग्निकुंड वायु देवता ने कहा मैं भी भगवान की स्वागत करूंगा, तो वायु देवता ने क्या कहा, जितने चारों तरफ फूल खिले हुए हैं उनके सुगंध को पूरे मथुरा में भी फेर दिया, एकदम सुगंधित बना दिया वातावरण मथुरा नगरी में। अब पांच तत्व है भी जल वर्षा हो रही है, अग्नि नृत्य कर रहा है, आकाश देवता ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, वायु देवता जो है सुगंध भी खेल रहे हैं। अब बच गए पृथ्वी देवी, तो पृथ्वी देवी का देख कैसे मैं स्वागत कर रहा हूँ, तो पृथ्वी देवी जो है एकदम जो हो वृक्ष लगे हुए हैं उसमें फल फूल से लग गए एकदम चारों, और जितने फल डाल वृक्ष है उसमें फल आ गए भगवान के स्वागत के लिए, कितने सुंदर वातावरण है। भगवान का जैसे जन्म हुआ एक सूप में लेकर के कारागार हाथ पे हथकड़ी पा, और जैसे दूसरे दिन
Thank you.
गली 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 है
Thank you.
I'm
Thank you.
सभी लोग सुनने में देखें यथा स्थान बैठने की कृपा जी आप तक के आरती के प्रसाद पहुंचाए जाएंगे आप लोग बैठे थोड़ी व्यवस्था बनाने की निवेदन है और आयोजक परिवार के सदस्य डोला थे कहां से Thank you.
ترجمة
से
ये कथा स्थल में आइए और कथा का आनंद ले, क्योंकि भगवान के कथा भाग्य से मिलता है, संसारिक काम सदा होते रहते हैं, तो संसारिक कामों से जल्दी से निवृत्त होकर के कथा स्थल में आने की कृपा करेगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वचन भगवान अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हे तदो गयते विवेक। जिनका भाग्य प्रबल होते हैं, जिनके भाग्य में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य रहता है, उन्हीं को ही भगवान चयन करते हैं, उन्हीं को भगवान अवसर प्रदान करता है। नहीं तो धन रहने मात्र से भागवत कथा का लाभ मिल जाए ऐसे नहीं है, बहुत से धनवान लोग भागवत कथा नहीं करवा पाते, खाली धन को इकट्ठा कर करके इस संसार में छोड़ करके चले जाते हैं। भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो भागवत कथा से जुड़ते हैं, जो भगवान से जुड़ते हैं ना वो धन्य हो जाते हैं। हम बार बार कहते आ रहे हैं, अरे हमारा कहना नहीं, वेद व्यास महाराज का कहना है, बहुत भावन भोले नाथ का कहना है कि सुन उमा ते लोग भागे हर तज हो ही विषय अनुरागी। भगवान शिव जी का कहना है, हमारे आप तो बड़े नहीं है, शिव जी का कहना है। यहाँ जो आनंद है भगवान के कथा में डुबके लगाने वाले लोग डूबते नहीं है, डूब करके भी तर जाते हैं। यहाँ नौ रस है वहाँ रस एक सही, संसार भी एक ही रस है, वो रस नहीं है लेकिन कई लोग रस मान लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से तो देखा जाए नौ प्रकार के ही रस होते हैं, दसवा कोई रस होता ही नहीं, लेकिन विषयी लोग जो संसारिक भोग विलास में डूबने वाले होते हैं ना, वो संसार में जो डुबके लगाते हैं विषय रस को भी रस मान लेते हैं, भोग विलास को भी रस मान लेते हैं, जबकि वो रस नहीं है। व्याकरण के दृष्टि से नौ प्रकार के रस होते हैं, कभी श्रृंगार रस की कथा, कभी हास्य रस की कथा, कभी रौद्र रस की कथा, कभी करुणा रस की कथा, कभी विभस्त रस की कथा, तो ऐसे नौ नौ प्रकार की रस से भरी हुई भगवान की कथा होती थी। यहाँ नौ रस है वह रस एक सही। चलो ठीक है कि आप संसार के विषय वासनाओं में डुबके लगाते रहते हो, हाँ उनको रस मान लिए हो, तो यहाँ नौ रस है वह रस एक सही। यहाँ नौ रस है और वहाँ एक ही रस है। यहाँ नौ रस है वह रस एक सही, यहाँ संतों की वाणी है पानी नहीं। हाँ कथा में कथा सुनाने वाले के वाणी है, यहाँ डुबकी किस में लगाएंगे महाराज, पानी तो नहीं भाई, किस में डुबकी लगाओगे भाई, तो संतों की वाणी है। भोग विलास के मजा तो कुत्ता बिल्ली घोड़ा भी ले लेता है, फिर हमारे में उनके शरीर में क्या अंतर हो जाएगा जी। जो चीज आप खीर खा करके आनंद लेते हो, हलवा पूरी खा करके आनंद लेते हो, सुअर जो है मैल खा के ले लेता है। जो हम एसी रूम में सोते हैं बढ़िया गद्दा बिछा करके, उस मजा जो तो सुअर कीचड़ में सो के ले लेता है, तो अंतरिका है वो भी तो मजा ले रहा है, जब कीचड़ में सोता है सुअर ना, तो सुअर क्या कहता है, वाह क्या बढ़िया आज एसी सोया है। तो मजा विषय नहीं है, इस शरीर के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति है। तो कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी जब शरीर को पा करके ना मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए इस शरीर की सराहना की गई है कि मनुष्य देह सुर साधु सराहत। साधु संत देवता भी सराहना करते हैं इस शरीर की, इस शरीर की मनुष्य देह पूर्वक विधि विधान पूर्वक समझा करके
बसदेव जी को कहा कि मुझे गोकुल नगरी में लाना है। भगवान की योग माया शक्ति से बसदेव जी के हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी पहरेदार लोग सो गए। फाटक दीवार किवाड़ की आदि जो है अपने आंख खुल गए और फिर वसुदेव जी कृष्ण कन्हैया बाल किशोर को लेकर गोकुल नगरी में जाकर के वहां से एक बालिका यशोदा रानी के ना एक बालिका जन्म ली, उस बालिका को लेकर के फिर पुनः मथुरा नगरी में आ गए। भाई मथुरा नगरी में आते ही जैसे पहले स्थिति थे वैसे ही स्थिति भगवान के माया शक्ति से हो गई। मैया तोरे साधारण बालक तो जन्म ने लिया है। तीन लोक के स्वामी नंद घर आए, अरे तीनों लोक के स्वामी नंद बाबा के यहां जन्म लिया है। तीन लोक के स्वामी नंद घर आए, ढोल नगाड़ा जगह जगह सब गाए, ढोल नगाड़ा बाजे जगह जगह सब गाए, जैसे ही उस बालिका को लेकर के मथुरा नगरी में वसुदेव जी पहुंचा, प्रातः काल हुआ जी, योग माया के प्रभाव से सब लोग जितने पहरेदार थे सब सो गए थे, लेकिन भगवान ने अपने योग माया के प्रभाव को हटाया, सब पहरेदार जो सोए हुए थे सब जाग गए। जैसे ही पता चला कि देवकी मैया की आठवां संतान जन्म लिया है, महाराज कंस को जाकर के सूचना दिया, तुरंत महाराज कंस पहुंच गया खटखले करके, यही आठवां संतान है। और आकाशवाणी के अनुसार से यही हमारा काल है। देवकी मैया के गोद से उस बालिका को छीन ले, है तो बालिका।